हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग कपिल रक्षा फैमिली व्लॉग में एक बार दोबारा से आप लोगों का स्वागत है। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि रक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो सुबह सुबह मैं उसके लिए डेली जूस निकालता हूँ। तो मैंने फ्रूट्स वगैरह कट ऑफ कर लिए हैं, तो दिखा देता हूँ आपको। और सब सो के उठ चुके हैं और सुबह का टाइम है फिलहाल, तो अभी सो के उठे ही हैं। तो उठते के साथ ही मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे हैं। जब तक रक्षा नहाएगी तब तक मैं उसके लिए जूस रेडी कर दूंगा। और यहाँ पर जूस दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या काटा है जूस के अंदर। तो यहाँ मैंने उसके लिए काट लिए हैं थोड़े से अनार, यहाँ पर मौसमी है और ये है चुकंदर। ये तीनों चीज़ें खून को, ब्लड को बढ़ाती हैं हमारी बॉडी की, और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी है उसके। तो गाइस प्रोसेस शुरू करते हैं जूस निकालने का। यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर ले लिया अपना और शुरू करते हैं। देखो मेरी बेटी बादाम दे रही है मुझे, क्या दिल का स्वागत में मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये बैठ, ये बादाम खिल रही है। पैक से ले रहा था मैं ये बादाम रखे हैं, मैं उनको छिल छिल कर खुद भी खा रही है और पापा को भी खिला रही है। जूस निकल चुका है, रेडी हो गया और इनको थोड़ा स्टील कर देते हैं और चलते हैं इसको रक्षा की तरफ लेकर। बता रहा हूँ बेटा, किसी के डोले होंगे ऐसे। मेरी बेटी बैठी हुई है यार। A few moments later. तो गाइस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया ही था कि दादी के पास जा रहे हैं। तो मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को जैसे बताया था कि भाई हम डॉक्टर चेंज कर रहे हैं अभी टाइफाइड के लिए, जो भी है अभी वहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है जिससे हम करवा रहे थे इलाज रक्षा का। तो दूसरे डॉक्टर पे जा रहे हैं, तो निकल रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। रक्षा यहाँ पर रेडी है। और
कायरा को छोड़ेंगे इसकी दादी के पास। Six and a half hours later. हम आ गए थे डॉक्टर से और आते ही हम सो गए खाना वाना खाकर। बहुत ज्यादा थकान हो गई थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया था हमें, दो घंटे निकल गए हमारे। और वहां पर हमने शूट भी नहीं करा क्योंकि कुछ मौका ही नहीं लगा शूट करने का। वहां पर भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा हो रही थी वहां पर। वो बेसिकली टाइफाइड स्पेशलिस्ट है और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर। और यहाँ पर आई हुई है मेरी सिस्टर तो कल हम दिखा नहीं पाए क्योंकि मौका लगा ही नहीं ज्यादा उसको दिखाने का अपनी बहन को। तो साथ में आया हुआ है शोरे भी। तो इस साथ धोया नहीं अंकल थोड़ा लाइट वैसा है ना सब कलर रफ रफ सा तो फ्रेंड्स अभी दोबारा हमें जाना है डॉक्टर के पास। तो मेरी सिस्टर अपने घर जा रही है तो वो हमसे थोड़ी मिलने आई है, थोड़ी बात बात करेगी तो निकलेंगे थोड़ी देर तक डॉक्टर के पास। बने रहना हमारे ब्लॉग में। कायरा हाय गाइस। कायरो कौन आया है, कौन आया है मिलने मिलने कौन आया है, कौन आया की कौन आई है, कौन आया? मियाँ बुआ नहीं आई कायरा की। बुआ आई है। और कौन आया, और कौन आया साथ में बुआ के? तो गाइस ब्लॉग में बने रहना।